नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के बारे में, और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कानून के खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और पूरे भारत में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी। दोस्तों पहला और बड़ा चेंज जो हो रहा है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि अब जम्मू एंड कश्मीर भारत में एक नई यूनियन टेरिटरी बन गया है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में अपनी विधानसभा बरकरार रहेगी और वहां पर सीएम का पद भी बना रहेगा। तो दोस्तों अगर हम दूसरी किसी यूनियन टेरिटरी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का कंपैरिजन करें तो जम्मू एंड कश्मीर से पहले सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी की ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर अपनी विधानसभा और सीएम है। इस तरह अब जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल दिल्ली और पांडिचेरी की तरह काम करेगा, जहां पर अपनी असेंबली तो है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के पास रहेगी। ऐसा करने से अब भारत सरकार के पास जम्मू एंड कश्मीर में जमीन और लॉ एंड ऑर्डर के मसलों में कोई भी चेंज करने का अधिकार है, और इसके लिए भारत सरकार को जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट की अनुमति भी नहीं चाहिए। इसका फायदा आतंकवाद को खत्म करने में होगा। दोस्तों दूसरी जो बड़ी चेंज है वो ये है कि लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया है, और इस तरह अब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का अंग नहीं है। लद्दाख को भी भारत में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन फर्क इतना है कि लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं है और वहां पर सीएम का पद भी नहीं होगा। लद्दाख में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करेगी जो वहां का कामकाज चलाएगा। दोस्तों इस तरह अब हमारे देश में कुल राज्य 29 से घटके 28 हो गए हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी 7 से बढ़कर 9 हो गई हैं। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार देता था, और जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ करता था। इसलिए जो भी कानून भारत सरकार पार्लियामेंट से पास करती थी वो सब कानून जम्मू एंड कश्मीर में तब तक लागू नहीं हुआ करते थे जब तक उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा से अनुमति नहीं मिलती थी। ज्यादातर ये कानून पास भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब 370 के खत्म होने के बाद पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। इस तरह अब जम्मू एंड कश्मीर में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक कानून लागू हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू एंड कश्मीर राज्य का अपना नेशनल फ्लैग भी हुआ करता था जो हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में लहराया जाता था, लेकिन अब पूरे देश में एक ही फ्लैग यानी कि तिरंगा लहराया जाएगा। दोस्तों आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अभी तक अगर जम्मू एंड कश्मीर में हमारे देश के नेशनल फ्लैग की इंसल्ट की जाती थी तो उसे क्राइम नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये क्राइम माना जाएगा। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में अब गवर्नर का पद भी खत्म हो जाएगा और इसकी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होगी। दोस्तों अब बात करते हैं एक बड़ी चेंज की। दोस्तों धारा 370 के खत्म होने के कारण आर्टिकल 35A का वजूद भी खत्म हो गया है। इस आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के पास जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप डिसाइड करने का अधिकार रहता था, और इस तरह हमारे देश में दो सिटीजनशिप हुआ करती थी, एक जम्मू एंड कश्मीर की और दूसरी पूरे भारत की। इसी आर्टिकल के तहत भारत के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता नहीं हुआ करती थी। इसी आर्टिकल के तहत अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई औरत भारत के किसी और राज्य के पुरुष के साथ शादी करती थी तो ऐसी हालत में उस औरत और उसके बच्चों और पति को जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इस आर्टिकल के खत्म होने के बाद भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, जम्मू एंड कश्मीर की औरतों को भी अपना अधिकार मिल पाएगा। दोस्तों अब आखिर में ऐसी चेंज की बात करूंगा जिसका जिक्र आज तक किसी भी राजनेता ने नहीं किया है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू शहर में हिंदू धर्म के वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं, और बहुत साल पहले ये पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर में सफाई के काम के लिए लाए गए थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि इतने साल बीतने के बाद भी इस समाज को जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप एक ही शर्त पर दी गई है कि ये समाज जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ सफाई का काम ही करेगा। इसका मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक होने के बावजूद इस समाज को जम्मू एंड कश्मीर में किसी और सरकारी नौकरी के लिए नहीं लिया जाता था, लेकिन इस कानून के खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इस समाज को भी जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी नागरिकता खत्म हो गई है, अब ये समाज भी जम्मू एंड कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकता है। दोस्तों 1947 में जो हिंदू पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में आए थे उन्हें आज तक जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप नहीं मिली है। हम सब जानते हैं कि अभी तक भारत में दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत में बस गए थे, श्री इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह।
दोस्तों ऐसे लोग भारत के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग पाकिस्तान से आकर बस गए थे उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह ऐसे लोग जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कानून के खत्म होने के बाद ऐसे लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में पूरा अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के अनुसार आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है और अब जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कोई नागरिकता नहीं रही है। दोस्तों ये सब मोटी मोटी ऐसी चेंजेस थी जो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली लागू हो जाएंगे। दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 370 को हमारे देश में खत्म किया जाना चाहिए था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर। नमस्कार।